आर के एडू ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरीज रेजोनेंस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इसके रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने आर के एडू ऐप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए अभी डाउनलोड कीजिए आर के एडू ऐप। तो चलिए अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। अब यहां पर कॉइल वर्ड आ गया, मतलब रेजिस्टर एंड इंडक्टर ये दोनों का सीरीज कनेक्शन है, और उसमें से रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको कितना दिया है 2 ओम, एंड इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया है 0.01 हेनरी। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसमें आर एल सी सीरीज कनेक्शन है, उसमें से कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल है। आर एंड एल के वैल्यूज आपको दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अक्रॉस द 230 वोल्ट मेन्स, दैट इज टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट। What must be the capacitance in order that maximum current occurs at a frequency of 50 hertz? Means आपको कैपेसिटर का ऐसा वैल्यू सेट करना है जिससे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सबसे पीक है, सबसे मैक्सिमम है। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। टोटल करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में रेजोनेंस ऐसा वर्ड कहीं पर भी नहीं है, तो एग्जाम के टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का है करके? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, करंट अक्रॉस, सॉरी, व्हाट मस्ट बी द कैपेसिटेंस इन ऑर्डर दैट मैक्सिमम करंट ऑकर्स, मैक्सिमम करंट ऑकर्स। तो आरएलसी सर्किट में, आरएलसी सीरीज सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है? जब वो सर्किट रेजोनेंट सर्किट होता है तब। तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, मीन्स आपका जो सर्किट है वो रेजोनेंट सर्किट है। तो ऐसा हिडन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन सीरीज रेजोनेंस का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम यहां पर प्रिपेयर करते हैं। कॉइल दिया है, कॉइल, तो इसका मतलब रेजिस्टर एंड इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन है। आर एंड एल दोनों के वैल्यूज दिया है। कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल है, इसलिए यहां पर देखो मैंने एरो ड्रॉ किया है। तो कैपेसिटर का आपको ऐसा वैल्यू सेट करना है जिससे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। सो सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट एंड टोटल करंट अननोन है, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आर, अक्रॉस इंडक्टर एल एंड अक्रॉस कैपेसिटर इज वीसी। नेक्स्ट, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम, देयरफॉर द गिवन सर्किट इज रेजोनेंट सर्किट। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, और ये कंफर्म हो गया कि ये सर्किट रेजोनेंट है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी यहां पर मेंशन किया है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एफ आर। सो एफ आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 1/2π√L इंटू सी। एफ आर का वैल्यू है 50, 1/2π, एल का वैल्यू है 0.01 एंड सी अननोन है यहां पर। तो कैलकुलेशन के बाद आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा 1.013 × 10⁻¹³ फैरेड। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस के बाद है रेजिस्टेंस। टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। टोटल इंपीडेंस इसलिए कि मुझे टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो उसके लिए हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज IT = VT/ZT। अब VT तो दिया है क्वेश्चन में, ZT कैलकुलेट करेंगे तो IT कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन ये सीरीज रेजोनेंस में ZT, दैट इज टोटल इंपीडेंस, इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल इंपीडेंस इज इक्वल टू R होता है, क्योंकि इसमें XL एंड XC जो है वो कैंसिल होता है, रेजोनेंट सर्किट है। सो XL एंड XC कैंसिल हुआ, नेट रिएक्टेंस 0 हो गया। सो टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R, एंड R इज इक्वल टू कितना दिया है 2 ओम। नेक्स्ट, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ IT = VT/ZT, टोटल वोल्टेज इज 230, ZT is 2, so IT is 115 एम्पियर। करंट कैलकुलेट किया हमने तो 115 एम्पियर। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी तो कैलकुलेट करना है। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या है? VT/R √L/C। VT 230 है, R 2 ओम है, नेक्स्ट L का वैल्यू है 0.01 हेनरी, एंड कैपेसिटेंस तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो वो सब वैल्यूज यहां पर हम लोग पुट करेंगे। तो VC इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आएगा 361.232 वोल्ट्स। यस, तो इस क्वेश्चन में हमने जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसका वैल्यू सेट किया, ऐसा वैल्यू सेट किया जिससे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट मतलब ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट है। फिर उसके बाद मैक्सिमम करंट तो फ्लो रहा है, लेकिन कितना फ्लो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट किया, IT एंड कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज भी हमें पूछा था, वो भी हमने कैलकुलेट किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने RK Edu ऐप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए अब भी डाउनलोड कीजिए RK Edu ऐप। दैट्स इट, थैंक यू।